सनसनी का सबब बनी एक खौफनाक तस्वीर, स्थानीय लोगों की आंखों में कैद हुई तो जिला चंदौली पुलिस की नींद टूट गई, जहां पुलिस ने बिना वक्त जाया किए उस इलाके का रुख किया जिस जगह पर एक परिवार के दो सदस्यों की निढाल बॉडी पड़ी थी, और जब उन्हें हॉस्पिटल रवाना किया तो उस मनहूस खबर पर मोहर लगी जिसे सुनकर परिवार का कलेजा रो पड़ा। तेरह जनवरी 2017 की देर शाम जिला चंदौली के थाना सैयद राजा की फोन की घंटी खनखनाई, तो फोन उठाते ही उस खबर से वास्ता पड़ा जहां गांव के एक शख्स ने लड़खड़ाती आवाज में सनसनी का सबब बनी एक दास्तान सुनाई। खबर चौंकाने वाली थी, हैरान परेशान पुलिस समझ ना पाई कि आखिर माजरा क्या है, लिहाजा थाने के SHO को मामले से वाकिफ कराया गया, जो फौरन हरकत में आए तो सीधा उस इलाके का रुख किया जहां पुलिस पूरे दलबल के साथ निकल पड़ी। मामले की गंभीरता देखते ही जिले की पुलिस कप्तान साहिबा को भी अवगत कराया गया, जहां पुलिस कप्तान ने भी हाजिरी लगाई। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मौके पर दस्तक दी, हबड़ तबड़ की हालत बन गई, दो निढाल जिंदगियां जमीन पर पड़ी मिली जो रिश्ते में बाप बेटे निकले, लिहाजा उनकी हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल रवाना किया गया और खबर परिवार के कान तक पहुंचाई गई। लेकिन जैसे ही डॉक्टरों ने बाप बेटे की नब्ज टटोली, उनकी रगों में बहता लहू ठंडा पड़ चुका था, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और जब इस परिवार ने अपने घर के मुखिया पिता लल्लन सिंह और भाई पंटू सिंह की लाश देखी तो उनकी बेसब्र आंखें दर्द के अशकों से भर गई। कलेजा रो पड़ा, चीखने चिल्लाने पर विवश परिवार समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या हो गया। हॉस्पिटल से लेकर घर मातम का बसेरा, परिवार की महिलाएं बिलख रही और पूछ रही कि किस लिए उनके घर की खुशियां मिटा दी। कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति हैं जो पंचदेवरा गांव के स्कूल के पास में गिरे हुए हैं। इस सूचना पर SHO स्वयं मौके पर रवाना हुए और इनको जो दो व्यक्ति मिले इनको लेकर ही अस्पताल पहुंचे, जहां पर इनकी मृत घोषित कर दिया गया था। पंचदेवरा गांव के रहने वाले प्रेम सिंह उर्फ लल्लन सिंह और उनके बेटे हेमंत उर्फ बंटू सिंह का बहुत पहले दम निकल चुका था, जिनकी लाशों को गांव के ही सड़क किनारे ठिकाने लगाया गया था। तभी जुबान में ये बात भी सामने आ रही है कि बाप बेटे से खानदान के दूसरे पक्ष के जमीनी अदावत चली आ रही थी। खानदान के दूसरे पक्ष जमीन को लेकर बौखलाए हुए थे, जहां ये तय कर पाना मुश्किल था कि विवाद का हल बातचीत से निकले या फिर समझौते से, लेकिन तय किसी एक को करना था। किसी एक को ये इल्म ना था कि अदावत की आग में जिस कहानी का आगाज होगा वहां एक परिवार के मुखिया को मिटा दिया जाएगा, एक सुहागन का सुहाग छीन लिया जाएगा। रोजमर्रा की तरह गांव के उस कोने से निकलने वालों की चहलकदमी बड़ी थी, तभी अचानक वो कदम ठहर गए, जिनकी नजर खूनी मंजर पर जाकर उठी। बाप बेटे को निढाल देखते ही सैयद राजा पुलिस को इत्तला दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस की कोशिश काम ना आई। जिनकी जिंदगी को लेकर पुलिस संजीदा थी उनका दम निकल चुका था, वो उस खौफनाक साजिश का निवाला बन चुके थे जहां जमीनी रंच में उनकी हस्ती मिटाई जा चुकी थी। और जो मृतक हैं उनका नाम लल्लन सिंह और उनके बेटे का नाम बंटू सिंह है, इन दो लोगों की डेड बॉडीज हैं और अभी इसमें हम लोग कार्रवाई फर्दर करा रहे हैं, मुकदमा दर्ज करा करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और क्या रीजन से? अभी ये PM से क्लियर होगा किस कारण से इनकी मौत हुई है, PM रिपोर्ट में ही क्लियर हो पाएगा। गनशॉट भी है? अभी हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं क्या है इंजरी। जमीनी अदावत की जो बात सामने आ रही है क्या वही सच्चाई है? क्या खानदान के लोगों ने बाप बेटी की जिंदगी छीन ली, इस परिवार को बेसहारा कर दिया, या फिर कोई और वजह है? पुख्ता तौर पर पुलिस ना तो ये साफ कर रही है कि बाप बेटे की हत्या हुई, ना ही इस बात की पुष्टि कर रही है कि बाप बेटे की मौत किन कारणों से हुई। पोस्टमार्टम का हवाला देती कप्तान साहिबा मीडिया के सवालों को घुमा फिरा रही है, जिससे कि सनसनीखेज खबर की वजह साफ नहीं हो पा रही। अब जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है कि पीड़ित इस परिवार की कई हर बातों पर गौर किया जाए, जिस पर कबों का पहाड़ टूटा है।
एक ही घर से तो अर्थियां उठने की बारी आई है, एक ही पल सब कुछ बर्बाद हो गया। जहां पूरे गांव में आक्रोश की चिंगारी भड़की है और तनाव को देखते हुए पूरे गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके, उस नफरत को बढ़ने से रोका जा सके जहां अदावत की आग को खून से बुझाया गया। इस हालात में इस कहानी का अंत क्या होगा, ये ना तो पुलिस को पता है ना ही जमाने, क्योंकि एक घर उजड़ चुका है। कुमार उदय, चंदौली, समाचार। बीवी के झगड़े में शौहर हलाक। हालांकि संयुक्त परिवार में आपसी अनबन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस घर की महिलाओं के बीच मामूली बात पर कहा सुनी हुई तो महिलाएं तो चंद पलों के बाद शांत हो गईं, लेकिन उनकी लड़ाई की जिम्मेदारी घर के दो सगे भाइयों ने खुद पर ले ली, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से गोद डाला। हमीरपुर के सदर अस्पताल की दहलीज के भीतर एक सनसनाती एम्बुलेंस दाखिल हुई तो पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इमरजेंसी वार्ड के भीतर मौजूद वार्ड बॉय सचेत हो गए कि हो ना हो किसी की जान पर बनाई। एम्बुलेंस से निकलने वाले परिवार ने स्ट्रेचर का प्रबंध करवाया और जख्मी उस जिंदगी को इमरजेंसी वार्ड के भीतर लेकर भागे जिसकी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में थी। खून से सनी एक जिंदगी की सांसें चल रही है या नहीं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं। सिर्फ जान बचाने की जद्दोजहद जारी है कि जिंदगी और मौत से जूझते मुन्ना प्रजापति को किसी तरह से बचा लिया जाए। स्ट्रेचर के करीब खड़े परिजन डॉक्टर का मुंह देखे जा रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। डॉक्टर का हाथ लगते ही खामोश लेटा मुन्ना कुछ बोल पड़े, लेकिन मुन्ना की हालत को निराशा भरी नजरों से देखने वाले डॉक्टर भी समझ चुके हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। परिवार मुन्ना को उठा रहा है कि वो खामोश क्यों है, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि मुन्ना अब नहीं रहा, उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। शरीर के किसी अंदरूनी हिस्से पर गहरी चोट आने से मुन्ना का दम निकल गया, सुनकर हैरान रह जाएंगे जब चीखती इस आवाज की वजह से वाकिफ होंगे। इस बेबसी की असलियत से आपका वास्ता पड़ेगा। इस परिवार को रुलाने वाला कोई गैर नहीं है, बल्कि मुन्ना का ही अपना सगा खून, अपना सगा छोटा भाई बाबू प्रजापति और आकाश प्रजापति, जिसने मुन्ना को चाकू से गोद कर कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। जो है ये इनकी घरेलू जो है कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी पहले जी, आज कोई झगड़ा नहीं हुआ ना पहले। आवाज जो है इन्होंने तुरंत ये खेत से आए और ये खेल रहे थे जुआ, उन्होंने देखा कि ये घर आ गए तो इन्होंने सीधे चाकू मार दिया है। और इसका लड़का जो है वो जो कुल्हाड़ी मार रही वो भी अभी इधर चोट है। भाई ने भाई को मारा जी। गांव झालोकर के पूर्व प्रधान के घर में अभी एक ही घर के भीतर कई जिंदगी फल फूल रही। सभी भाई एक ही जगह रहकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। जाहिर है जब सभी एक जगह होते होंगे तो किसी न किसी बात पर अनबन तो आम बात, हर परिवार में गिले शिकवे होते हैं, लेकिन मसले सुलझाए भी तो जाते हैं। लेकिन इस बार तो लड़ाई कर रही महिलाएं पीछे हट गई, लेकिन घर के पुरुष आपस में भिड़ गए। मुन्ना प्रजापति और बाबू प्रजापति के बीच आपसी बहस क्या शुरू हुई और फिर इस खेल का आगाज हुआ, वहां मुन्ना पर बाबू ने चाकू से वार किया। लेकिन तभी दूसरे भाई आकाश प्रजापति ने कुल्हाड़ी से मुन्ना के सिर पर प्रहार किया। सगे भाइयों के बीच होती लड़ाई देखकर पड़ोसी सन्न थे, भला ऐसी क्या बात हो। लेकिन बात तो चंद पैसों को लेकर थी, जहां रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल चुकी। जैसा संज्ञान में आ रहा है चाकू और कुल्हाड़ी से पेट में वार होने की वजह से, कोई मेजर आर्टरी ब्लीड कर जाने की वजह से उनकी डेथ। मामला सर कहाँ पर? मामला झलोखा थाना कोरारा हनी। गांव में दरकते रिश्तों की कहानी लिखी गई, लेकिन क्या मजाल की इस खबर की भनक भी पुलिस वालों को लगी। जिंदगी बचाने की जीतोड़ कोशिश करने वाले हमदर्द बने परिवार ने मुन्ना का अस्पताल पहुंचाया, फिर भी पुलिस को खबर नहीं लगी। लेकिन जब लगी तो पुलिस सरपट हॉस्पिटल की तरफ भाग कर पहुंची। पीड़ित परिवार से उसकी आपबीती सुनी गई, जहाँ पीड़ित परिवार ने कत्ल की असलियत से
पुलिस को वाकिफ करवाया कि सगे भाई ने भाई की हत्या कर दी। थाना कोलारा के अंतर्गत एक गांव है जिलों का, ये मुन्ना प्रजापति और बाबू प्रजापति दोनों भाई भाई हैं, आपस में उम्र 45 साल के आसपास है। तो इन्होंने पैसे के लेन देन को आपस में विवाद हुआ, इसी बात को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मार दिया। अस्पताल में इसको भेज दिया गया था, वहाँ इसकी डेथ हो गई। की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है, मुकदमे लिखा जाएगा। चाकू से किए गए वार बेरहम थे, जिससे मुन्ना के शरीर से काफी खून बह गया। मुन्ना की मौत से परिवार बेसुध है, मातम से भरा, जो रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। तहकीकात में जुटी पुलिस ने भरोसा दिया है कि फरार मुजरिमों को जल्द से जल्द दबोचा जाएगा, लेकिन वारदात की हकीकत से पुलिस भी सन्न है, क्योंकि खून एक भाई ने किया है, उन रिश्तों का जिसका दामन था। दो भाई एक ही जगह पर बड़े हुए थे, अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन आज इस वारदात ने रिश्तों को सिसकने पर विवश कर दिया। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर, समाचार। बीवी की बेवफाई से पति आहत था, जिसने शराब का सहारा लिया तो गुनाह के उस रास्ते पर चल निकला जहां उसका मकसद इंतकाम लेना था। लेकिन नशे की खुमारी में वो जिस दहलीज पर गया, वहां निशाना बीवी का आशिक नहीं बल्कि वो इलाकाई लोग बने, जिन्होंने सन की पति को रोकने का प्रयास किया। पहले सुबह की खामोश हलचल में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि इस सुबह की रात बेहद खौफनाक थी। लेकिन खुशकिस्मती इस बात की कि जिस जिंदगी को मिटाने का प्रयास किया गया, उसकी जान अभी बची है, वो खतरे से बाहर है। एक जान और है जो सनक का निवाला बनने से बचा, वरना गोली तो दो लोगों को मारी गई थी, यही सोचकर कि जिंदगी मिट जाए। लेकिन क्यों और किसने मारी थी गोली, जानना चाहते हैं तो मिलिए इस जख्मी महिला से, जिसका नाम है शशि, जो अलीगढ़ के थाना कुआरसी के मिथिलापुरी की रहने वाली है, जिसके सीने में जख्म है, गोली बाहर निकाली जा चुकी है, हालत नाजुक है। लेकिन वो अपनी जुबानी उस रात की कहानी सुना रही है, जब एक शराबी ने दरवाजे की दहलीज पर दस्तक दी, जिसके साथ और भी लोग थे, जिन्होंने पैसे और जेवर की मांग की थी और नहीं देने पर लूटपाट शुरू कर दी, और दिल उससे भी नहीं भरा तो शशि के जिस्म में सनक की गोली उतार दी गई। सुनिए जरा। अंदर सो रहे थे हम, तो अंदर थे वहाँ बालक आयो लेकर के किवाड़ खोल कर दूसरे पड़ोसी जगह पे गयो, तो इतने में कितने गुस्से आए, एक ठाड़ो बाहर खंजरा पे और एक ने के चल अंदर चल चीज देने कार के, चीज देने कार के मैंने चीज आई ना, तो मैं चीज कहाँ देता हूँ, 600-700 रुपया वो छीड़ ले, तो इतने कोई गोली मार दी है। कितने लोग थे? मैंने तो दो देख लिए थे बस, और के तो हुआ तो कोई मालूम ना। तो किसी और के मकान में घुसने के लिए आए थे क्या? ई ना मालूम। शशि अकेले लुटेरों का शिकार नहीं बनी, बल्कि इलाके में ही एक और मकान में रहने वाली सोमवती के घर में भी लुटेरों का कहर टूटा, जिन्होंने सोमवती के बेटे अशोक को गोली मार दी, लेकिन फायर मिस कर गया। उसके सीने पर, शरीर पर सुलगता बारूद और छर्रे लगे। खौफ से भरे इलाकाई लोग अपने अपने घरों में कैद होने पर विवश थे, और दूसरी तरफ दरिंदे लूटपाट कर रहे थे, जो मिल रहा था उसे भरने में लगे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब लुटेरों ने लूटपाट करने के लिए एक घर के मासूम बच्चे को हथियार बनाने का प्रयास किया। काई डर के मारे कवर हम बैठ गए, डर के मारे बैठ गए, तो ये कदम तो फिर भाड़ ही भाड़ लाती लाते बनावत रहे। सो भैया मैं कहीं जाए कि चढ़ गई मैं, तो बोले मैंने गई मोहल्ला वाला जगा दू पीछे काट कट दो, तो ये सगरे बेचारे भाजे, फिर तो मैं चली गई, तो सग कपड़ा लेता हूँ छुरा के चीज ही भाग आई, सग सोने को उतार को सुने गए हो देख कौन नहीं मुझे झूठ बना कौन नहीं, और ये सब पट्टी पान गई। महज एक साल के बच्चे को बदमाशों ने उठा लिया कि अगर पैसा जेवर नहीं मिला तो वो मासूम बच्चे को मार देंगे। पब्लिक डरी हुई थी, जिसके पास जो था वो दे दिया।
लेकिन मामले की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने जब इसकी कार्रवाई शुरू की तो एक फिल्मी कहानी सामने आई, जिसे जनता ने लुटेरा समझा वो तो खुद लुटा हुआ था, जिंदगी से हारा हुआ था, जो ऐसी उलझन का सामना कर रहा था कि उसकी बीवी को कोई गैर घुमा रहा था। हमारे पारसी क्षेत्र के आउटस्कर्ट में पड़ती है, तो वहाँ ये पता चला कि एक दीपू नाम का युवक है जो एक अपनी रिश्ते की एक महिला को अपने साथ रखे हुए है, जो कि शादीशुदा है। तो कल रात में उसका जो महिला है, इसका नाम मनोज है, उसका पति शराब पिए हुए उसी खोज में आया था उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे शराब के नशे में था, तो वहाँ के लोगों ने उसका रोकना या टोकने के प्रयास किया, जिसके सुबह से नाजायज सलाह बताया जा रहा है, जिससे उसने फायर किया है। एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर पीड़ित शशि और सोमवती ने लूटपाट की बात बताई तो भला पुलिस इस बात को क्यों छुपा रही है कि जिसने गोली मारी वो अपनी बीवी की तलाश में आया हुआ था, जिसकी शादीशुदा जिंदगी नरक बन चुकी थी। बीवी की जुदाई में तड़पते पति दीपू को पता था कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द से रिश्ता जोड़ चुकी थी, यही कारण है जिसे सजा देने के लिए पति दीपू ने खौफनाक फैसला ले लिया। लेकिन फिर लूटपाट कैसे हुई? वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है, जिससे कि सभी फरार गुनहगारों को दबोचा जा सके। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार। बाइकर्स गैंग का बारूदी तांडव। सूबे में चुनाव के ऐलान के बाद आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, और ये दावा हमारा नहीं है बल्कि रायबरेली में एक ही रात के भीतर गढ़ी गई दो थाना क्षेत्रों में खूनी वारदात की यह खबर तस्दीक करेगी कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस बेबस। तस्वीरें बेहद भयावह है। एक जिंदगी खून से सनी पड़ी एम्बुलेंस में पड़ी है, जिसकी नाजुक हालत को देखते हुए रायबरेली के अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजने की तैयारी की जा रही है। युवक के सिर में गोली लगी है, जिसकी हालत देख परिवार का ये सदस्य बेहद गमगीन है। सिर से खून रुक नहीं रहा, लगातार खून सिर से रिस रहा है, जिसने इलाज से पहले ही तड़प कर दम तोड़ दिया। थाना सलोन की पुलिस कार्रवाई में जुटी है। अंडा छीला, छील के फ्राई करत रहे, फ्राई करके जैसे फ्राई चढ़ाई तो अपन निगरे तो हवाई फायर का गोली मार दीन, ठेका लूट के जैसे निकले निकरे का गोली मार दीन। कितने लोग थे वो लोग? तीन लोग। तभी एक और खबर जिले के दूसरे थाना क्षेत्र यानी डीह थाने से आई कि एक शराब की दुकान के सेल्समैन सुशील पर बाइक सवार अपराधियों का कहर टूटा। बाइक सवार बदमाशों ने उसे भी गोलियों से भून दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक ही रात में दो थाना क्षेत्रों की खबर जैसे ही आला अफसरों के कान तक गई कि अधिकारियों की नींद उड़ गई, जिन्होंने सुबह होते ही दोनों थाना क्षेत्रों की पुलिस से संपर्क करते हुए उन इलाकों का मुआयना किया जहां एक के बाद एक खूनी कहानी गढ़ी गई। देखिए, दो घटनाएं ये हुई कि और दोनों का घटनास्थल देखा है हमने जाकर के, और इसके जितने भी जो पहलू हैं, जितने डायमेंशंस हैं, इसके क्या मोटिव हो सकता है, सारे एंगल्स पे हमने आज अपनी तरफ से दिशा निर्देश दिए हैं, और 48 घंटे के लिए एक फिक्स इनको टाइम भी रखा है कि इस पर कम से कम कुछ चीज़ों पर जरूर काम करके इसमें कार्रवाई कर लें। कुछ हमें शुरुआती क्लूज मिले हैं जिनपे कुछ लोगों को पर डायरेक्शन जिसे कहते हैं वो सामने आ रही है, उस पर भी काम करना इनकी टीम ने स्टार्ट कर दिया है। थाना सलोन इलाके में देर रात शराब की दुकान के ठीक बाहर बाइक सवार अपराधियों ने हाजिरी लगाई और शराब की दुकान में लूटपाट की कोशिश की। हथियारों के बल पर लूटपाट करने आए अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया, और जब उनकी कोशिश नाकाम होती दिखी तो अपराधियों ने शराब की दुकान के बाहर फायर झोंकनी शुरू कर दी। इस दरमियान शराब की दुकान के बाहर अंडे की दुकान चलाने वाले के सिर में गोली लगी, जिसके जख्मी होते ही बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मगर ये तो शुरुआत ही। सलोन इलाके को छोड़ते ही फिर एक खबर आई जहां बाइक सवार ही अपराधियों ने एक शराब के सेल्समैन को गोली मार दी। अब हम इसको और क्लोजली मॉनिटर करेंगे लखनऊ से भी,
जिससे कि कम से कम इस घटना का सही खुलासा हो सके और जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसके साथ साथ जो जनपद में चेकिंग अभियान जो चल रहा था उसको और प्रभावी तरीके से कराने के लिए जो मेन लाइन से लूप लाइंस में विलेज लाइंस पे जो रोड जाती है उन पर अच्छी और प्रभावी चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, उसको भी हम लोग कराते हैं। निश्चित तौर पर ये दोनों घटनाएं जल्दी ही इनका हम खुलासा कराने की स्थिति में यहाँ की टीम होगी और जो भी इनको आवश्यकता पड़ेगी संसाधन की किसी भी तरह की अगर पड़ती है तो हम लोग पूरी तरह से मुहैया। एक के बाद एक दोनों घटनाओं से पुलिस की नींद काफूर है। डीआईजी प्रवीण कुमार ने मौके का निरीक्षण किया जहां खूनी कहानियां गढ़ी गई। डीआईजी प्रवीण ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द अपराधियों को दबोचा जाएगा और पुलिस को 48 घंटे की मोहलत दी गई है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, रात दिन एक ही क्यों ना करना पड़े, बेखौफ हमलावर बचने नहीं चाहिए जिनकी गिरफ्तारी में जुटे पुलिस पसीना बहा रही है। लेकिन दरिंदे हमलावर अभी तक पुलिस के शिकंजे से दूर है। अमरेश कुमार, रायबरेली, समाचार प्लस।